हेलो फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल पर यहाँ पे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। उसके बाद ये जो बेल बटन देखते हैं आप, इस पे क्लिक करें। फिर यहाँ क्लिक करके इसको सेव कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे मेरे नए वीडियोस देखते रहने के लिए। थैंक यू। Hello friends and students, welcome back. Here a new video I am going to record for you. Ek chashma, ek jeans, ek khenchi. Dekhne mein to bada simple lagta hai, ek chashma, isme kaun si badi baat hai banana. Ek chashma, ek jeans, ek khenchi. To jisko pata hai uske liye to waqai mein badi baat nahi hai. लेकिन जिसको नहीं पता वो भी सोच रहा होगा इसमें ऐसी कौन सी बात है, ये तो सिंपल है, एक चश्मा। जैसे एक पेन बोला तो अ पेन, सिंपल। पर ये ऐसे नहीं बनते हैं। इसको कैसे बनाते हैं मैं बता रहा हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पे दो पेयर होते हैं इस चश्मे में, दो ये होते हैं लेंस, एक ये है एक ये है, तो दो लेंस हैं, इसलिए इसको हम एक नहीं बोलते, अलग तरीके से बोलेंगे। स्पेक्स अगर आप बोल रहे हैं, जैसे अगर आपने बोला इसको आ स्पेक्स, तो ये गलत है। इसी तरह आपने बोला जीन्स, तो ये भी गलत है। जीन्स में दो पैरों के दो हिस्से होते हैं, ठीक है। कैंची में भी दो ब्लेड होते हैं, तो अगर आपने बोला अ सीजर, तो ये भी गलत है मित्र। तो क्या करोगे आप? जैसे मैंने कहा, मैंने एक नया चश्मा खरीदा, आई गॉट या बॉट, आई गॉट अ न्यू पेयर ऑफ। तो देखिए, अ न्यू जरूर, आ एक अ पेयर ऑफ, ये जरूर बोलना पड़ेगा आपको। स्पेक्स यस्टरडे या जो भी बोलना, आई गॉट अ न्यू पेयर ऑफ स्पेक्स यस्टरडे। अगर आपने एक से ज्यादा खरीदे तो टू पेयर ऑफ स्पेक्स। इसी तरह ही वोर जीन्स, गलत है। He wore a pair of jeans at a party. ये बोलेंगे, ठीक है। He wore a pair of jeans at a party. ऐसे तरह जूते भी हो सकते हैं, a pair of shoes. I purchased a pair of sport shoes online. तो पेयर कहाँ बोलना है? अगर ज्यादा है तो दो। अब जैसे आपको किसी दुकानदार से कैची चाहिए, दो, एक छोटी कैची एक बड़ी कैची, तो आप बोलोगे आई नीड अ पेयर ऑफ बिग सीजर एंड आई नीड अ स्मॉल पेयर ऑफ सीजर, ठीक है। तो लिख लीजिए आप चाहे तो, यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। आई नीड, दो कैचियां चाहिए आपको, ठीक है। आई नीड टू पेयर्स ऑफ सीजर्स, ठीक है। वन स्मॉल एंड अ बिगर वन, वन स्मॉल एंड अ बिगर, एक छोटी चाहिए उससे थोड़ी बड़ी चाहिए, तो बिगर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल टू वॉच माय न्यू वीडियोस। एंड इफ़ यू थिंक यू वांट टू लर्न इंग्लिश, यू वांट टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश ग्रामर, एंड यू वांट टू इम्प्रूव और यू वांट टू प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू, यू मे कॉन्टैक्ट मी to have any kind of course related to that language. Yeah.
You may contact me. I have already given my email ID and Skype ID here in that video and below that video. Thanks for watching that video. Thank you.